आते आगे और बात करते हैं आज और कल के दिन के हवाले से, क्योंकि दोनों दिन खबरों से भरपूर रहेंगे। बात आज की करते हैं जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर शुरू होने जा रहा है और सिक्योरिटी के सख्त हिसार के बीच दौरा जम्मू कश्मीर वजीर दाखिला अमित शाह का है, जहां पर आज दाखिला वजीर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, पार्टी लीडर से मुखातिब होंगे और उसके फौरन बाद श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां पर इतलात और खबरों के मुताबिक बलिदान सिदम का फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा श्रीनगर के अंदर। यानी श्रीनगर के अंदर जहां बलिदान स्तंभ प्रताप पार्क श्रीनगर के अंदर बनाया जा रहा है, जिसे वॉर मेमोरियल कहते हैं अंग्रेजी में, उसका फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा और कल से ही लाल चौक और गिरदनवा के अंदर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। वहीं पर राजभवन के अंदर तकरीबन 8 बजे शाम को एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी तलब की गई है, जिस मीटिंग के अंदर अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी रिव्यू होगा, डेवलपमेंटल रिव्यू होगा और उसके फौरन बाद कल सुबह दाखिला वजीर साहब वापस रवाना होंगे। दाखिला वजीर अमित शाह आज तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे, जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे पहले त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाएंगे, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी के हवाले से प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा और वहां पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास दाखिला वजीर साहब फाउंडेशन स्टोन रखेंगे CFSL सांबा के अंदर और फिर डेवलपमेंटल वर्क्स का कुछ वर्चुअली इनॉग्रेशन भी होगा, कुछ फाउंडेशन डाली जाएगी तरक्याती मंसूबों के हवाले से और वक्त होगा 11:30 बजे के आसपास। और उसके फौरन बाद इतला ये भी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर जो नया गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिसका इनॉग्रेट किया और दाखिला वजीर साहब ने ऑनलाइन आकर वहां पर अपनी बात रखी थी, माना जा रहा कि आज दर्शन के लिए वहां पर भी जाएंगे और उसके बाद एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब होगा। इज्तिमा से खिताब करने के फौरन बाद दाखिला वजीर साहब वेतस्ता फेस्टिवल जिसका आगाज हो गया है श्रीनगर के अंदर, उसमें शिरकत के लिए जाएंगे और श्रीनगर के अंदर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरों के साथ तबादला होगा, रिव्यू होगा, मीटिंग होगी सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से भी और साथ साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है। दाखिला वजीर 2019 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और गुज़श्ता 24 जून को भी श्रीनगर के अंदर उनकी आमद हुई थी, जिस दौरान सिक्योरिटी रिव्यू और दीगर मामलों पर उन्होंने गुफ्तगू की थी। CISF CRPF और दीगर जवानों के साथ दिल्ली के अंदर भी मशावरत और मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। तो इस तरीके से आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि बैक टू बैक कई अहम तकरीबों का एहतमाम जम्मू के अंदर है और उसके फौरन बाद वो कश्मीर भी जाएंगे, जहां पर बलिदान स्तंभ प्रताप पार्क श्रीनगर यानी लाल चौक के बिल्कुल करीब में जो प्रताप पार्क है वहां पर सिक्योरिटी को कल रात से ही काफी टाइट कर दिया गया था, CCTV इंस्टॉलेशंस कर दी गई थी और आज बाद सपहर दाखिला वजीर साहब वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर फाउंडेशन स्टोन डालेंगे। क्या कुछ हमारे नुमाइंदे ने रात देर गए जाकर वहां पर देखा था, जरा फटाफट से पहले आपको अपडेट करते हैं। जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे, उसके बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर एक सिक्योरिटी मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ये भी खबरें सामने आ रही है कि कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उनकी इनॉग्रेशन की जाएगी। लेकिन उसके बाद ही सोर्सेज के हवाले से अभी अभी खबरें जो मौसूल हो रही है कि जो अमित शाह है वो श्रीनगर के लाल चौक एरिया का भी विजिट करेंगे, खासकर जो प्रताप पार्क है वहाँ का भी वो विजिट करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी है, उसी मुनासबत से वो प्रताप पार्क आएंगे और वहाँ पर मार्टियर्स मेमोरियल की संग बुनियाद भी रखी जाएगी। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त मैं प्रताप पार्क के बाहर ही खड़ा हूँ और आप देखिए इस वक्त प्रताप पार्क के अंदर जो है सिक्योरिटी चेक चल रहा है, वहाँ पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, वो वहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और जो बाकी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है उनके साथ सिक्योरिटी फोर्स अंदर है और पूरा जो वहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर साफ सफाई हुई और जो बाहरी एरिया है इस प्रताप पार्क का वहाँ पर तारें बिछी थी, उन तारों को हटाया गया, CCTV कैमरा को इंस्टॉल किया गया। चलिए ये तो श्रीनगर के अंदर जो तैयारियां हैं लाल चौक और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के हवाले से, आज जब वज़ीर दाखला वहां पहुंचेंगे तो उससे पहले तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई थी। इधर जरा रुख जम्मू का भी करते हैं, शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ हैं। शिल्पा, जम्मू के अंदर क्या तैयारियां हैं, क्या शेड्यूल है
होम मिनिस्टर का बीजेपी की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? अमित शाह जम्मू पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां पर आपको बता दीजिए कि स्वर्ग के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और लगभग रख लीजिए 11 बजे के करीब जो है भगवती नगर से आम जनता संबोधित किया जाएगा। और उसके बाद वो राजभवन जाएंगे, जहां पर जो है आपको बता दी चले की कई सारी परियोजनाओं की चर्चा की जाएगी और राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक की जाएगी और कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ती कर दी गई है, देखने को मिल रही है चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस जवान जो है वो तैनात है। सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पर सीआईएसएफ के जवान जो है वो तैनात है, नगर ग्राउंड में जेडीए ग्राउंड में वहां पर आएंगे, सबसे पहले उनकी चेकिंग की जाएगी और उसके बाद उन्हें जो है अंदर का रुख करने दिया जाएगा। सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है, चप्पे चप्पे पर जवान जो है वो तैनात है। मीटिंग्स भी होनी थी, इस तरह की खबरें थी, क्या पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो पाई है कि कुछ डेलीगेशंस, कुछ प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेंगे, जिनमें पहाड़ीज या कश्मीरी पंडित वगैरह कोई और लोकल्स हो सकते हैं, डेलीगेशन की सूरत में उनसे मुलाकात करेंगे, इसको लेकर कोई आपके पास खबर? देखिए अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि लोगों से जो है वो मुलाकात की जाएगी और कहीं ना कहीं जम्मू के आम जनता को जो है वो नई सौगात जो है यहाँ पर देने की जिस तरीके से जानकारी जो है यानी कि खबर जो है वो सामने आई है कि एक नई सौगात जो है वो जम्मू की आम जनता को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कह सकते हैं कि उन लोगों से जो है वो बातचीत जरूर की जाएगी।